हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम चालू करने वाले बेटा आपकी क्लास 12 का वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज सॉलिड स्टेट। अच्छा, ये चैप्टर बेटा आपके फिजिकल केमिस्ट्री में काउंट होता है। इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ फॉर्मुलास आएंगे। वो फॉर्मुलास क्या है, कैसे कैसे क्या क्वेश्चन करते हैं हम, ऑब्वियसली बात है इसमें थ्योरी भी बेटा बहुत ज्यादा है। जनरली आपसे कहा जाता है कि ये थ्योरी बेटा याद कर लो, पर लेट मी क्लियर यू, इसमें थ्योरी याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ वो कंसेप्ट अगर आपने एक बार में सीख लिया या फिर अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो। वो कंसेप्ट अगर आप बेटा सीख गए ना तो आई गारंटी आप खुद की लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन करेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो चलो हम बात करते बेटा इस चैप्टर की, थोड़ा बहुत इसके अंदर जाते हैं क्योंकि अब चालू करना ही है, तो अब चालू कर देते हैं इस चैप्टर। ये कितना मार्क्स का आता है बेटा? 4 मार्क्स का आता है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में। जहां तक बात है बेटा इसकी कंपटीशन की, तो कंपटीशन में नीट में भी इसका एक क्वेश्चन, नीट में भी एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है, जेई में भी इसका एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। तो चलो चालू करेंगे चैप्टर को। दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है सॉलिड, एक है बेटा स्टेट। तो स्टेट आप लोग सब जानते हैं कौन सी स्टेट, जिसमें मैं रहता हूँ कौन सी स्टेट बेटा? राजस्थान। और आप लोग जहाँ के भी हैं, जैसे अगर मान लो आप एमपी के हैं तो एमपी, यूपी के हैं तो यूपी। अरे सर क्या बता दो, कुछ नहीं चल रहा है क्या, है ना। तो बेटा ये वोहन ही स्टेट नहीं है, ये स्टेट कौन सी है याद करो। आपने बचपन पढ़ा था तीन तरह की स्टेट आप लोगों ने पढ़ी होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं तो उन्हें लग रहा होगा सर सॉलिड लिक्विड और गैस आपने दो स्टेट अभी मिस कर दी, कौन कौन सी बेटा? बीईसी और प्लाज्मा। तो उसकी बात हम जनरली नहीं करते, अभी हम बात करेंगे बेटा केवल और केवल सॉलिड स्टेट की। जहां तक बात है लिक्विड और गैस स्टेट बेटा, तो गैस स्टेट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सी क्लास में? क्लास 11th में। जहां तक बात है बेटा लिक्विड की, तो लिक्विड आप पढ़ते हैं ज्यादा डीप में फिजिक्स में, अदरवाइज हमारे 12th में भी सेकंड चैप्टर जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है वहां पे हम लिक्विड के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, है ना। तो बेटा सॉलिड जनरली हम थोड़ी बहुत एक दो डेफिनेशंस की बात करें तो सॉलिड क्या होते हैं बेटा? ऐसी चीज है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्या कह रहा हूँ मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो सबसे ज्यादा। लिक्विड की जहां तक बात है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़े कम होते हैं, गैस की जहां तक बात है तो बेटा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग नेग्लिजिबली होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है अगर गैस है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, मतलब वो आसपास है ही नहीं वो मॉलिक्यूल्स, तो वो आपस में क्या करेंगे बेटा, मतलब दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ी कम है, और सॉलिड में तो बेटा ना के बराबर है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये तो था आपका फोर्स और स्पेस के बारे में। जहां तक बात है बेटा डेंसिटी, तो आपको पता है सॉलिड क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा डेंस, उसके बाद होता है लिक्विड, और गैस की तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, ना के बराबर होती है। पर तुम बोलोगे सर रुको ठहरिए, क्यों ठहरिए बेटा? क्योंकि आपने सुना होगा आइस लिक्विड, ये आइस हो गया और आपका गैलियम हो गया, तो ये क्या करते हैं बेटा, आपकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा रखता है। लिक्विड वाटर जो होता है वो डेंसिटी आपकी ज्यादा रखता है, किससे बेटा? आइस से। सिमिलरली जो गैलियम है, गैलियम में लिक्विड होता है, उसकी भी डेंसिटी क्या होती है बेटा, सॉलिड से ज्यादा, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब और इसके अंदर पूरे चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसका सिलेबस सबसे मेन बात है कि आपको सिलेबस हर चीज का, हर चैप्टर का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? उससे आपको पता रहेगा कि आपके फैकल्टी ने वो सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे सब टॉपिक जो है वो सारे आपको पढ़ा या नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा दिए तो जो जो पढ़ा दिए, जो जो आपको आ गए उस पर आप डायरेक्टली टिक लगाते जाए, ठीक है। तो चलो इसमें सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे बेटा इसमें क्लासिफिकेशन और सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन और सॉलिड में सबसे पहले आएगा बेटा आपका बेस फ्रॉम द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बेस पे हम दो तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स आप लोग समझ लो कि आपस में जो फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर हम कितने तरीके हमारे सॉलिड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटलिक सॉलिड और मॉलिकुलर सॉलिड। तो वो सारी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा यूनिट सेल इन 2D एंड 3D लैटिस। और यहाँ पे देखो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो यूनिट सेल आ रहा है जो आपने नहीं सुना, लैटिस आ रहा है ये भी आपने नहीं सुना, तो आज आप सुनने वाले हो और आज इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ने भी वाले हो। चलो इसके बाद बात करें, तो इसके बाद आएगा बेटा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पैकिंग इन सॉलिड्स। हम डेंसिटी हम निकालेंगे बेटा किसकी, यूनिट सेल की निकालेंगे जो पैकिंग होते हैं किसमें बेटा, सॉलिड्स। अच्छा पैकिंग है तो उसके बाद क्या है कि पैकिंग एफिशिएंसी है, कि एफिशिएंसी आप लोग समझते हो कि हमें कितना अच्छा वो पैक हो रहा है, कितनी अच्छी उसकी एफिशिएंसी है, वो चीज हम उसमें निकालेंगे। उसके बाद बात करेंगे बेटा आपके वॉइड्स की, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद बात करेंगे बेटा हम पॉइंट इफेक्ट्स की, पॉइंट इफेक्ट भी हम फर्दर और दो चीजों में क्लासिफाई करेंगे, एक होते हैं बेटा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं वापस सुन लो, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है बेटा आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद आएगा बेटा आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है कि जैसे कोई मेटल है तो मैग्नेटिक नेचर वगैरह दिखाता है, तो
कौन कौन से मेटल्स दिखाते हैं और अगर हमें किसी चीज को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर अच्छी करनी है तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारी चीज आपकी यहाँ पे आएगी। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का रहेगा वो रहने वाला बेटा आपका क्या, बैंड थ्योरी। ये बैंड थ्योरी को जनरली हम मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो इसी साल आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना। तो चलो चालू करते हैं बेटा आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बेसिकली होता क्या है, तो चलो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द टाइप्स ऑफ सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं बेटा, क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो एटम हो सकता है या फिर आयंस हो सकते हैं। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स की बात करते हैं, और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करते हैं। वही चैप्टर आपका क्या है, सॉलिड स्टेट। तो चलो फालतू की बातें छोड़ के हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। और सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो चलो ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपन थोड़ी बहुत बेसिक बातें करते हैं। बेसिक बातें मतलब इसी चीज की कैसे मतलब, जैसे आप लोगों ने बेटा सुना होगा रबर हो गया, तो रबर के सॉलिड होता है क्या? चलो रबर छोड़ो, प्लास्टिक, प्लास्टिक सॉलिड है क्या बेटा? अरे आप लोगों को लगता है कि हर चीज जो कड़क है, जो कुछ कंप्रेस वगैरह नहीं हो सकती, वो सॉलिड है? नहीं बेटा, आप लोगों को गलत पता है। गलत पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉलिड तो है, पर सॉलिड वो वाला सॉलिड है जो आप लोगों को पढ़ा है या नहीं बेटा। सॉलिड में भी अब हम दो वैरायटीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम क्रिस्टलाइन, एक पढ़ेंगे बेटा अमॉर्फस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि आपका ये प्लास्टिक हो गया है ना, प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ग्लास हो गए, ये आपके सॉलिड नहीं है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में एक वर्ड पढ़ा रखा है बेटा सूडो, आप लोगों ने पढ़ा होगा सूडो फोर, सूडो मतलब वही नकली। तो क्यों ना हम ग्लास है ना, प्लास्टिक, इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सूडो सॉलिड। और ये सूडो सॉलिड क्या होता है बेटा, आपके अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस बेटा एक आपका ग्रीक वर्ड है, इसका तो नाम का ही मतलब ये होता है जिसकी कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। तो ये होगा आपका अमॉर्फस। तो ऑब्वियसली बात है वो सॉलिड जो आपको पता है, जैसे NaCl हो गया बेटा, NaCl आप लोग समझते हो नमक, ठीक है, शुगर ले लो, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब आप लोग समझ गए ना, ऐसी चीज जो क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करती है। तो इस बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे क्या क्या बात करने वाले बेटा, जैसा अगर मान लो ये कोई सॉलिड है, इसको अगर मैं जलाता हूँ या फिर अगर इसको मैं मेल्ट करता हूँ, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या आता है बेटा, कुछ एक फिक्स आता है या फिर कोई एक रेंज आती है बेटा? आंसर ये फिक्स आता है। कब फिक्स आएगा, जब ये कौन सा सॉलिड है बेटा, क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा फिक्स नहीं आएगा। क्यों फिक्स नहीं आएगा, क्योंकि बेटा याद करो, या फिर आप लोग खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपकी जो प्लास्टिक की चेयर है, क्या है प्लास्टिक की चेयर, तो उसको गर्मी के टाइम पे बेटा आप बाहर धूप में रख दो, धूप में जब रखोगे या फिर अगर आप उसको टेम्परेचर भी देते हो तो एकदम से मेल्ट नहीं होगी वो बेटा, पहले सॉफ्ट होगी फिर बाद में मेल्ट होगी, मतलब उसका एक रेंज आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, उसका एक रेंज आ रहा है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर वो मेल्ट होता है। जबकि क्रिस्टलाइन में क्या बेटा, एक पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर आपको दे दिया जाएगा कि ये टेम्परेचर में ये मेल्ट होना ही होना चाहिए। तो ये चीज होगी बेटा आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। और इसमें नए नए टर्म्स हो रहेंगे बेटा, एक आएगा आइसोट्रॉपिक, एक आएगा बेटा एनआइसोट्रॉपिक। तो पहले मैं इसके सारे के सारे डिफरेंस लिख देता हूँ, फिर एक एक पॉइंट के बारे में अपन डीप में चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंस लिख दिए, तो डिफरेंस देखना, आप लोग कुछ नहीं करना बेटा, इनको वीडियो को देख देख के आप लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है। बस मैं क्या करूंगा, आपके वीडियो के नीचे ही जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं आपके पूरे के पूरे नोट्स की पीडीएफ डाल दूंगा। तो जस्ट सिंपली आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, सारे के सारे नोट्स आपको पढ़ते जाने हैं। नोट्स सिमिलर वही है जो मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ, डिटो एक एक वर्ड आपको उसमें नोट्स में मिलेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा बात आपको पीडीएफ में क्या क्या मिलेगी, उसी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस एसएसएफ क्वेश्चंस भी आपको उसी पीडीएफ में मिलने वाले हैं। अरे सर एसएसएफ, तो बेटा एसएसएफ का मतलब है सागर सर फेवरेट क्वेश्चंस। तो हर वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसी क्वेश्चन को मैंने एक नया टर्म दे रखा है मेरा पर्टिकुलर एसएसएफ। तो एसएसएफ क्वेश्चंस भी बेटा आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो सर ये सारी चीज हमें पीडीएफ में मिलेगी, तो हम वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, आपका लेक्चर स्किप कर देते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं बोर्ड पे। थोड़ी देर आप इंतजार करो, पहले आप समझो चीजों को, जब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो लास्ट में हम करने वाले बेटा इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं चलो, दो तरीके के आपके सॉलिड थे, जैसा कि हमने बात की थी, क्रिस्टलाइन था और एक अमॉर्फस था। इसमें मैंने एक आपको बात बताई थी, इसे प्लास्टिक होता है, रबर होता है, आपको लगता है ये सॉलिड है जबकि वो असल में सॉलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उसके अभी हम रीजंस देखेंगे। तो चलो अब ये सारी चीजें तो हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो बेटा, हम इसलिए ही तो कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी तक बताया गया था ये प्लास्टिक सॉलिड है,
ठीक है, आपका ये रबर हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे के सारे सॉलिड हैं, आपको खुद को लगता था, बताया क्या गया था आपको, खुद को ऐसी चीज लगती थी ये सारी की सारी चीजें क्या है सॉलिड। तो वही चीज आपके वही दिमाग में जो आपका गलत था उसी चीज को करेक्ट करने के लिए हमने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, पूरा पूरा चैप्टर आपके एनसीईआरटी में रख दिया, पहला चैप्टर हो गया सॉलिड स्टेट। अच्छा और अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि सर बस केवल इतनी सी ही बात के लिए पूरा पूरा चैप्टर हो गया, तो बेटा इसमें नहीं, इसमें हर वो चीज जिसके, जैसे मान लो आप डायमंड जानते हो, ग्रेफाइट भी जानते हो, तो बेटा डायमंड किसका किससे बनता है, कार्बन से, कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी किसका इलेक्ट्रॉन है बेटा, कार्बन का, तो भाई जब डायमंड भी कार्बन का है, ग्रेफाइट भी डायमंड, ग्रेफाइट भी कार्बन का है, तो फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ है डायमंड और ग्रेफाइट, तो बेटा वही सारी चीजें कहाँ पे डिपेंड करती है, उसके स्ट्रक्चर पर, वो स्ट्रक्चर कहाँ पे पढ़ते हैं हम इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो चलो चीजें देखते जाते हैं हम। सबसे पहला इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं बेटा वो कैसा रहे होते हैं, अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, और रेगुलर पैटर्न में ऑब्वियसली बात है रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, तो उसकी ज्योमेट्री भी क्या होने वाली बेटा, एक डेफिनेट ज्योमेट्री उसकी होने वाली है। इसका एक इजी सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों के स्कूल में बेटा जब प्रेयर्स होती थी, जब आप लोग स्कूल जाते थे, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रेगुलर स्कूल में ही जाते, पर अगर जाते हो तो सुबह सुबह क्या होती है बेटा, प्रेयर्स होती है, तो प्रेयर्स में क्या होता है, एक जगह बॉयज खड़े रहते हैं, एक जगह गर्ल्स रहती हैं, और जैसे क्लास वाइज अरेंज होता है, नर्सरी प्री प्रैप प्रैप, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे एक रेगुलर अरेंजमेंट में, ऐसा थोड़ी कि एक लड़का है बीच में एक लड़की लगा दी, फिर लड़का फिर लड़की है, टिकटॉक थोड़ी चल रहा है बेटा, है ना। तो यहाँ पे हम नॉर्मल अरेंजमेंट जब करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट जब करते हैं, तो पूरे लड़के की लाइन, पूरी लड़की की लाइन इस तरह से, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट करें, तो वही क्या बेटा आपका क्रिश लाइन सॉलिड, जबकि इनरेगुलर अरेंजमेंट जब आप करोगे तो वो क्या होगा बेटा आपका अमॉर्फस सॉलिड। अच्छा ये क्रिश लाइन सॉलिड क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट करो, तो बेटा इसको आप लॉन्ग रेंज तक, लॉन्ग रेंज इसका ऑर्डर रख सकते हो, जबकि ये अमॉर्फस भाई इनरेगुलर अरेंजमेंट है, तो ये ज्यादा ज्यादा जगह तक नहीं रहता, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है बेटा आपका शॉर्ट होता है। चलो और अच्छा अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे बेटा आप लोग जानते हो चौक, ठीक है, चौक आप लोग सब जानते हो, और एक जानते हो बेटा आप मार्बल, ठीक है, मार्बल और चौक आप सब सबको पता है ये बनते किससे बेटा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनने के बाद भी कि चौक तो ऐसी होती है जो हम, ये तो सॉरी मार्कर है, चौक तो आप ऐसे हाथ से तोड़ सकते हो कि मार्बल को आप ऐसे हाथ से नहीं तोड़ सकते थे। ये भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यही सारी चीजों की वजह से ये पूरा पूरा चैप्टर डिजाइन हुआ है ना। तो चलो अमॉर्फस सॉलिड क्या था आपके, जो रेंडरली अरेंज होते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको बताए दिए थे, और अच्छी बात क्या बताई थी, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे सीपी का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये क्या होता है बेटा इसका ऑर्डर क्या होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जबकि इसमें क्या होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और क्योंकि ये इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर था, और मैंने आपको एक और चीज बताया कि सॉलिड होते हैं, गलत, ये सॉलिड नहीं होते हैं, हमें ऐसा लगता है ये सॉलिड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड मतलब हमें लगता है सॉलिड जबकि वो सॉलिड नहीं है, सूडो सॉलिड बोलो, या फिर इसका एक और नाम होता है बेटा क्या, सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड, ध्यान से सुनना बेटा, सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड का आप एग्जाम्पल बता सकते हो, नहीं बता सकते तो मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल बेटा आपका ग्लास, सर ग्लास तो हमारा सॉलिड ही है, ग्लास तो हमारा सॉलिड ही, उसको आप अमॉर्फस में क्यों लिख रहे हो, तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपके बहुत सालों से अगर घर में कहीं पे ग्लास लग रहा है, तो ग्लास में होता क्या है, जैसे अगर आपका इस तरह का कोई ग्लास है ना, तो बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, 5-6 साल होते जाएंगे, तो ये ग्लास ऊपर से थोड़ा ऐसा पतला होता जाता है, और नीचे से बेटा वो ऐसा फैलता जाता है, मतलब ऊपर से जो पार्ट है वो क्या आ रहा है धीरे 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 नीचे आता जा रहा है, और नीचे की डेंसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, जबकि ऊपर बेटा थोड़ा बहुत पतला सा हो जाएगा, जैसे जैसे साल निकलते जाएंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। अरे समझ में आया क्या, ठीक है, तो हर वो चीज जो आपको सॉलिड लगती है वो सॉलिड नहीं होती है, चीज यहाँ से प्रूफ हो गई। इसका एक और एग्जाम्पल बेटा आपको पता है, डे टू डे लाइफ में आप लोग जानते हो ये क्या है बेटा, दिल, अरे दिल ऐसा नहीं होता है, जिस जो दिल जो आपका डॉक्टर है तो डॉक्टर से पूछो कि दिल कैसा होता है, आपको बता देगा आपका सीना चीर के, ठीक है चलो, है ना। इसका अगला पॉइंट क्या बेटा, अगर फ्लैट फेस, अगर आप इसको काटते हो, किसको काटते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अगर बेटा आप काटते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटने पे आपको क्या मिलता है बेटा, फ्लैट फेस मिलता है और स्मूथ सरफेस मिलती है, बिल्कुल स्मूथ, ऐसा नहीं इनरेगुलर मिले, इनरेगुलर हमें किस में मिलेगी, ऑब्वियसली बात है अमॉर्फस सॉलिड में, तो मैंने लिख भी रखा है अनइवन सरफेस आपकी जनरेट हो जाती है, कब, व्हेन कट विद शार्प एज टूल, जब बिल्कुल नाइफ से वगैरह से आप काटोगे तो इसमें अनइवन सरफेस आएगी, जबकि इसमें क्या आएगा बेटा आपका स्मूथ सरफेस आने वाला है, और ये बात हमने कर ली थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा शार्प, शार्प मतलब बिल्कुल फिक्स, जबकि इसमें क्या होगा बेटा डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वही हो गया बेटा क्या, रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज होने वाली है, जैसे मैंने आपका एग्जांपल बताया भी था प्लास्टिक का, कि पहले वो गर्मी में आप या फिर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उसका पहले तो वो सॉफ्ट होगा, फिर सॉफ्ट होने के बाद वो मेल्ट होगा, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज होती है, एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं, इतना टेम्परेचर है उस पर वो मेल्ट हो गया नहीं, ठीक है।
उसके बाद बेटा अगला पॉइंट की हम बात करते हैं, ये होता है एन आइसोट्रॉपिक, जबकि ये क्या है बेटा आपका आइसोट्रॉपिक। अब ऐसे याद मत करना, कई बच्चे याद कर लेते कि एन आइसोट्रॉपिक ए आ रहा है तो ए आगे मतलब अमॉर्फस नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ सीखना, यहाँ पे क्या है बेटा आइसोट्रॉपिक में आइसो, आइसो वर्ड से आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, तो आइसोमर, आइसोमेरिज मतलब होते हैं। यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, पीपी का मतलब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन अगर कहीं पे जाता हूँ और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर वहां पे सेम आ जाए तो उसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा आइसोट्रॉपिक। मैं फिर बोलता हूँ कि अगर मान लो जैसे ये है मेरा कोई क्रिस्टल है ए ए ए ए ए ए, कहीं से भी जाओ अगर हर बार ही आपका ए आ रहा है तो बेटा इसमें क्या होने वाला है आपका, चाहे इस डायरेक्शन में आओ तो भी क्या क्या आ रहा है ए ए आ रहा है, चाहे इस डायरेक्शन में आओ तो भी क्या क्या आ रहा है बेटा ए ए आ रहा है, चाहे इस डायरेक्शन में आओ तो भी क्या आ रहा है आपका ए ए आ रहा है। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन है कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा आपकी सेम है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सर, फिजिकल प्रॉपर्टी के मैंने एग्जांपल लिख सके हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई बेटा आपकी, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, जिसे आप फिजिक्स में आप पढ़ते हो म्यू से रिप्रेजेंट करते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आपको मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा, अब तुम बोलोगे सर आपको पता है मैं दिख नहीं रहा फिर क्यों लिखा था बेटा, बस वो मैं आपको कंडक्ट कर रहा हूँ और फिर पीडीएफ की अपन ने बात करी थी, पीडीएफ में आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या होती है बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप लोग एक चीज समझ गए होंगे कि सर अगर ये आइसोट्रॉपिक है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो सर ऑब्वियसली बात है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगी, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आएगी, ऑब्वियसली बात है डिफरेंट आएगी। कैसे, चलो इसको प्रूव करते हैं। ऐसा मान लो क्वेश्चन है ऑलरेडी कोई ए बी ए बी ए बी इस तरीके से, फिर क्या आएगा ए बी ए बी ए बी, फिर क्या आएगा बेटा ए बी ए बी ए बी। तो अब देखना बेटा अगर लेफ्ट राइट जा रहे हो तो क्या आ रहा बेटा आपका ए बी ए बी ए बी, जबकि ऊपर से नीचे अगर आप कोई रे पास करोगे या फिर ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है बेटा ए ए ए, ऐसे जाओगे तो क्या आ रहा है बी बी ए। मतलब क्या हो रहा है कि आपकी चीजें अलग आ रही है, चीजें अलग आ रही है, मतलब यहाँ पे तो हर जगह सेम था ए ए हर जगह सेम था, जबकि वहां पे क्या हो रहा है बेटा अलग अलग आ रहा है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे जैसे आप अलग अलग डायरेक्शन में जाते जाओगे फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी बेटा चेंज होती जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, डिफरेंस क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको जब चैप्टर चालू किया था तब मैंने आपको बताया था ये चैप्टर है बेटा आपका बोर्ड में 4 मार्क्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा बेटा 1 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स में इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आइदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। तो चलो अब इसके बाद की बातें चालू करते हैं। ये तो था बेटा बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, इसके बाद याद करो मैंने सिलेबस में क्या लिखा था बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्सेस। बाइंडिंग फोर्सेस वही मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, कौन कौन से सॉलिड होते हैं बेटा आयनिक सॉलिड, मॉलिक्युलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो चलो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाइंडिंग फोर्स हम देख लेते हैं, तो बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्स में सबसे पहला कौन सा बेटा आपका आयनिक, उसके बाद आएगा आपका मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्युलर। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले क्या है पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग लैटिस पॉइंट, तो ऐसे पार्टिकल जो लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई करते हैं तो आयोनिक में कौन कौन से होते हैं एनायंस और कैटायंस। ऑब्वियसली बात है नाम समझ में आ रहा है आयोनिक है तो एनायंस और कैटायंस तो होने वाले हैं। मेटलिक में क्या होने वाले हैं मेटल आयंस होने वाले हैं, किसमें इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ऑब्वियसली बात है इसे अगर मान लो सोडियम मेटल है तो बेटा सोडियम मेटल है तो सोडियम मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो कौन कंडक्ट करेगा जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं, क्यों निकाल दूं क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है मेटल है जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वगैरह कैसे होगी, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा आपका बढ़ता जाएगा। तो मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कोवेलेंट में क्या होता है बेटा आपको पता है एटम्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर में क्या होता है या तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा बाइंडिंग फोर्स की, तो आयनिक में कौन कौन से होते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो ये चीज आप लोग पढ़ते भी हो क्लास 12 के पहले ही फिजिक्स के चैप्टर में विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें भी यही चीज आती है बेटा कि एनायन और कैटायन के बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स कौन सा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नाम से समझ आ रहा है मेटलिक है तो मेटलिक बॉन्ड होने वाला है, कोवेलेंट है तो कौन सा बॉन्ड होने वाला है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूलर है तो उसमें क्या होने वाला है बेटा वैन डेर वाल्स और डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें क्या होती है वो चीज आप लोगों को ऑलरेडी आती है आई गेस, और फिर भी नहीं आती हो तो प्लीज कमेंट में आप मेंशन कर देना, मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा उस चीज की पर्टिकुलर की डेफिनेशन, ठीक है। तो चलो आगे देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की ज्यादा बात है तो आयनिक में क्या होती है बेटा आपकी हार्ड होते हैं ब्रिटल होते हैं। अच्छा ब्रिटल समझ रहे हो, एक होता है डक्टाइल एक होता है बेटा आपका ब्रिटल, तो ठीक है आगे देखो हार्ड होता है ब्रिटल होता है और पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, जबकि ये सॉफ्ट भी होते हैं और सॉफ्ट से लेके कहां तक हो सकते हैं वेरी हार्ड तक हो सकते हैं। अब तो बोलोगे सर यहाँ पे सॉफ्ट मेंशन क्यों किया, तो बेटा ऑब्वियसली बात है मेटल है, मेटल में सोडियम मेटल क्या होता है बेटा आपका सॉफ्ट होता है, याद करो नाइट से जो इजिली कट हो जाता है सोडियम मेटल याद आ रहा है बच्चों ने आपने पढ़ा होगा।
कोवलेंट में आप लोगों को पता है वेरी हार्ड होते हैं, जबकि इसकी पुअर थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मॉलिक्यूलर की जहां तक बात है तो बेटा ये भी सॉफ्ट होते हैं और पुअर थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी होती है। बात करते हैं बेटा इसका एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल वही इसका NaCl होगा, आयनिक मास वही NaCl होगा, CaBr2 होगा, KNO2 होगा या फिर और भी हो सकते हैं। मेटलिक में कोई सारे मेटल जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, सोडियम है, इस तरह से कोई सारे मेटल ले सकते हैं। कोवलेंट में जाते बात है तो डायमंड, डायमंड जिसके अभी मैंने आप लोगों से चर्चा की हुई थी, डायमंड कौन सा होता है बेटा आपका कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है ना, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आप लोगों ने नाम सुना है क्या, नहीं सुना तो प्लीज आ सुन लो, क्वार्ट्ज किसका होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है इसका, SiO2। ये आप लोग सिलिकेट्स आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो वहीं पे ये चीज आती है, क्वार्ट्ज क्या होता है ये बेटा SiO2। ठीक है, मॉलिक्यूलर में एग्जांपल क्या होंगे, वाटर, अरे वाटर, वाटर मॉलिक्यूल यार, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, CO2, आर्गन, और एक और देखो एक और चीज मैंने कहा ड्राई आइस, बेटा ये ड्राई आइस आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, क्वेश्चन था कि सॉलिड CO2, अरे ड्राई आइस को सॉलिड CO2 बोलते हैं, तो क्वेश्चन था कि सॉलिड CO2 कौन से तरीके का बाइंडिंग फोर्स होता है या फिर कौन से तरीके का आपका सॉलिड है, तो कौन सा तरीके सॉलिड है बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देख लो चीजें वही है, ये सारी चीजें वही है जो बार बार रिपीट होती रहती है, जो चीजें मैं लिख रहा हूँ डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से कुछ ना कुछ आने वाला है, क्यों आने वाला बेटा, क्योंकि थ्योरी तो उतनी ही है, एनसीईआरटी के क्राइम में आपकी इस वीडियो में कवर, ऐसे इस तरह की वीडियो में मैं आपकी कवर कर ही दूंगा और यही लाइन आपके सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो इसके बाद आगे पढ़ते हैं बेटा, ये हो गया हमारा, इसके बाद हम चालू करेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बेटा लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होता है, लैटिस क्या होता है, है ना, तो ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इमेजिन करवाता हूँ, जिस रूम में भी अभी आप बैठे हैं, जहां पे भी बैठे हैं, तो बेटा रूम बनता है किससे, ब्रिक्स से बनता है, तो उस पूरे रूम का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है आपका बेटा, ब्रिक्स है, ब्रिक है मतलब वही समझ गया ना, ईंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ईंट, तो ईंटों से आपका वो पूरा घर बना हुआ है, तो ईंट क्या है बेटा उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब ऐसा दिमाग मत लगाना सर उससे भी तो स्मॉल एटम होगा, नहीं इतने भी स्मॉल पे हम नहीं जा रहे, तो है ना, तो बेटा जो आपका वो पूरा रूम बना वो किससे बना, ब्रिक से बना है, और वही ब्रिक क्या है बेटा आपकी यूनिट सेल, मतलब इस अगर हम जब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, एक Na प्लस 6Cl- से घिरा रहता है, सिमिलरली 1Cl- 6Na+ से घिरा रहता है, तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा वहीं पे एक पर्टिकुलर सबसे छोटी जो चीज होती है वही क्या होता है आपका यूनिट सेल, और बहुत सारे रेगुलर पैटर्न में अगर मैं यूनिट सेल को अरेंज कर दूंगा तो जो चीज बनेगी उसे वो क्या बोलूंगा मैं, स्पेस लैटिस है, केवल लैटिस, अरे समझ में आया क्या। अच्छा मैंने एक और वर्ड यूज किया था बेटा लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स क्या है बेटा, वही है जो आपका लैटिस बना है उसमें सारे वो पॉइंट, जैसे कॉर्नर्स हो गए आपके, फेस हो गए, जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हैं, तो अगर उस रूम को बेटा अगर हम अज्यूम करें कि वो क्यूब है या क्यूबॉइड है, अरे समझते ना क्यूब क्या होता है क्यूबॉइड क्या होता है, तो अगर मान लो लैटिस से अगर आप क्यूब में बैठे हैं तो क्यूब में बैठा क्या होगा आपकी कितनी एज होने वाली है, कितने फेस होने वाले हैं, और जो फेस होंगे तो पर्टिकुलर वो ही सारी की सारी चीज क्या आने वाली बेटा, जैसे फेस है तो फेस के अगर सेंटर में ले लूंगा तो वो फेस सेंटर क्या होगा बेटा आपका लैटिस पॉइंट। अगर मैं आप कॉर्नर्स की बात करूं तो कॉर्नर्स कितने बेटा आपके, जिस रूम में आप बैठे हो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 कॉर्नर्स ही होते हैं बेटा, यही क्या आपके लैटिस पॉइंट्स। तो चलो इसी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, मैं एक बार इसकी सारी डेफिनेशन लिख दूं तो डेफिनेशन से बेटा आपको और चीजें ज्यादा विजुलाइज होगी और ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे कि ये जो यूनिट सेल जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये यूनिट सेल की कुछ टाइप्स होते हैं क्या, तो बिल्कुल हाँ होते हैं, तो उसी यूनिट सेल के टाइप्स की बात के बारे में हम बात करेंगे, उसमें यूनिट सेल के 2 टाइप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उन दो में ही फर्दर और ज्यादा कुछ टाइप्स होंगे तो वो चीज के लिए हम बात करेंगे, और हाँ उसी में आपकी आने वाली बेटा एक शॉर्ट ट्रिक, तो देख हाँ जी। तो बेटा अभी हमने जस्ट बात की थी कि जो ब्रिक्स होती है, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं एक पूरी चीज को बनाने के लिए जो चीज यूज आती है वही क्या होता है आपका यूनिट सेल, और जो पूरी चीज बनती है उसे को क्या बोलते हैं बेटा स्पेस लैटिस, है ना, और उसी लैटिस में पर्टिकुलर जो पॉइंट्स होते हैं उसे को क्या बोलते हैं बेटा लैटिस पॉइंट्स। तो चलो इसकी एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं, यूनिट सेल क्या होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट, देख लो वापस वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस का मैं आपको बता चुका हूं, फर्दर अभी हम डेफिनेशन भी एक बार देख लेंगे, तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन स्पेस लैटिस which when repeated over and over again, बेटा बार बार अगर एक एक ईट के ऊपर एक ईट इसी तरह से अगर ईटें रखते जाओगे तो आप क्या बन जाएगा बेटा एक कमरा बन जाएगा, तो वही इसी बारे में ये बात कर रहा है, which when repeated over and over again results in entire crystal of given substance, है ना, ठीक है। अच्छा चलो लैटिस पॉइंट्स की बात करें तो these points which are occupied by constituent particle, ऐसा ही चीज, ऐसे पॉइंट जो constituent particle ने जो चीज ऑक्यूपाई कर रखी है, और फर्दर अभी मैं क्यूब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स, उसी लैटिस पॉइंट्स जो आपके होते हैं बेटा वही क्या होते हैं एटम्स होते हैं या फिर
आयंस हो सकते हैं, जनरली हम एटम्स को हम स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो चलो और देखो, इसमें एक और बात मैंने लिखा कि स्टार वाली क्या कि लैटिस पॉइंट्स को ही बेटा जब आप ज्वाइन कर दोगे, लैटिस पॉइंट्स में बहुत सारे बनाऊंगा, उन्हीं लैटिस पॉइंट्स को अगर बेटा ज्वाइन कर दोगे आप विद बाय स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री। अब आपकी जो पॉइंट जो लैटिस पॉइंट्स से अगर मान लो एक लैटिस पॉइंट इस कॉर्नर में है, एक लैटिस पॉइंट उस कॉर्नर में है, एक लैटिस पॉइंट उस कॉर्नर उस कॉर्नर, तो इसी तरीके से कॉर्नर्स को सब मिलाते जाओगे, सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स आप मिलाते जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, एक पूरा स्पेस लैटिस बन जाएगा। ठीक है, और फाइनली हमारे क्वेश्चन या फिर स्पेस लैटिस क्या होता है तो देखते हैं। इट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज एन array, array of points, array मतलब समझ गए ना, repetition जिसको हम बोलते हैं, array of points showing how atoms or ions are arranged in different points in 3D space, है ना, ये क्या होता है बेटा आपका crystal या फिर space lattice। तो चलो एक बार मैं आपको क्यूब बना के दिखा देता हूँ कि क्यूब किस तरीके से दिखता है। अच्छा मैं क्यूब की ही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा जो आपका यूनिट सेल है वो क्यूब जैसा ही आपको दिखता है, तो अगर क्यूब जैसा अगर हमें दिखता है तो क्यूब में कुछ 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 ना कुछ हम इसमें बातें और अच्छी अच्छी करते हैं, तो देखते जाना बेटा। देखो बेटा देखते जाना क्यूब कैसे बनाते हो, पहले तो क्यूब बनाना सीख लो बेटे, सबसे पहले तो एक स्क्वायर टाइप बना दो, अरे हाँ यार बोलो, है ना, एक स्क्वायर बना दो, उसके ऊपर एक और स्क्वायर बना दो, ठीक है, ये डंडे इससे मिला दो बेटा, ये डंडे इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, और ये भी आप इससे मिला दो, तो देखना बेटा ये क्या है, 3D में मैंने आपको बनाया तो 2D पे ही है, पर इसको मैंने एक 3D स्ट्रक्चर आपको बनाया, और ऑब्वियसली बात है 3D है तो कितनी एक्सेस होने वाली बेटा, 3 एक्सेस होने वाली है, कौन कौन सी बेटा, एक एक्स एक्सेस होगी, एक वाई होगी और एक जेड होने वाली है, ये आपको ही पता है। जैसे अगर मान लो मैं हॉरिजॉन्टल अगर बेटा एक्स मानू और ये वाली वर्टिकल को बेटा मैं मानू वाई, तो ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और जो उस साइड जा रही है वो कौन सी एक्सिस है बेटा आपकी, जेड एक्सिस। तीन एक्सिस है तो एंगल्स भी कितने होंगे बेटा, 3 होंगे, इससे एक्स वाई के बीच में एक एंगल होगा, वाई जेड के बीच में एक एंगल होगा, और जेड एक्स के बीच में भी एक एंगल होगा, तो इन्हीं सारे एंगल्स को मैं नाम दे दूंगा, जैसे मान लो एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है बेटा बीटा, एक एंगल है बेटा आपका गामा, है ना। सिमिलरली जो आपका क्यूब मैंने बनाया था इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ रही होगी, तो अगर एक्स एक्सिस वाला कुछ है यूनिट सेल तो उसकी हम लेंथ मान लेते बेटा स्मॉल ए, ठीक है, वाई एक्सिस वाले को मान लेंगे स्मॉल बी और जेड वाले को मान लेंगे स्मॉल सी, तो ए बी सी क्या होगी बेटा इसकी लेंथ हो गई, किसकी, यूनिट सेल की, और एंगल कितने हो गए अल्फा बीटा गामा। तो अगर मेरे को यूनिट सेल बनाना पड़ा है तो मेरे को कितने टोटल कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ी बेटा, आंसर है 6, आंसर क्या बेटा आपका 6, तो 6 क्यों है क्योंकि 3 तो इसकी लेंथ में काम आई है और 3 क्या काम है बेटा आपके एंगल्स काम आए, तो देखना मैं एक बार बना लेता हूँ, ये वाली है बेटा आपकी जेड एक्सिस, ठीक है, ये वाली है आपकी एक्स और ये वाली बेटा आपकी वाई, सेम वही वाली चीज जो मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस की लेंथ है बेटा आपकी ए, y एक्सिस वाले की लेंथ है आपकी बेटा बी, और z एक्सिस वाले की लेंथ कितनी है बेटा आपकी सी। सिमिलरली इसमें एंगल्स भी आ जाएंगे, क्या बोलो ना यार, एक अल्फा, एक क्या होगा बेटा बीटा, और एक क्या होने वाला बेटा आपका गामा, है ना, ये अल्फा बीटा गामा है, इसको हम बेटा इंटरफेशियल एंगल्स ही बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल मतलब समझ रहे हो, इंटरफेशियल मतलब एक फेस ये है एक फेस ये है, इन्हीं दोनों फेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स। टोटल कितने इंटरफेशियल एंगल्स के हमने यूज किए यहाँ पे, तो बेटा होते हैं 3, ठीक है। अच्छा मैंने एक और आपको बात बताई थी लैटिस पॉइंट्स, तो लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे अगर मान लो ये आपका जो क्यूब है इसमें ये जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स कितने हैं, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, ऐसे ऐसे टोटल कितने कॉर्नर्स आने वाले बेटा, 8 कॉर्नर्स आने वाले हैं, और इन्हीं 8 कॉर्नर्स को अगर बेटा मैं ज्वाइन कर दूंगा स्ट्रेट लाइन से तो आपका क्या बनने वाला है, अभी हमने बताया बोलो ना स्पेस लैटिस। अरे समझ, रूम में आप बैठे हो समझ के चलो, वो क्यूब है तो अब देखना जो दीवार है वही क्या बेटा हमारी फेस है, तो एक दीवार एक फेस हो गई, दूसरी दीवार दूसरी फेस हो गई, ये तीसरी फेस, ये चौथी फेस और पांचवी फेस और छठी फेस, तो टोटल कितनी फेस हो गई बेटा, 6 फेस हो गई। अगर ध्यान सुना क्या, तो जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें फेस कितनी होती है बेटा, कितनी दीवार होती है, 6 दीवार होती है, जबकि आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा घर की 4 दीवारें भी बंद है, अरे भाई डायलॉग गलत है, उसको सही कर लो, क्यों सही कर लो, क्योंकि कितनी दीवार होती है बेटा, 6 फेस होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है बेटा 6 फेस है तो आपके फेस डायगोनल्स भी कितने होंगे, 6, अरे नहीं गलत, फेस डायगोनल निकालो बेटा, फेस डायगोनल कैसे निकालेंगे, ये फेस है तो डायगोनल क्या होता है बेटा, उस पॉइंट को जोड़ के वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या आएगा, डायगोनल, पहला डायगोनल, वो वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या आएगा, दूसरा डायगोनल, तो एक फेस पे कितने डायगोनल हुए बेटा, 2, तो 6 फेस पे टोटल कितने डायगोनल होंगे बेटा, 6 × 2 मतलब क्या आएगा बेटा, 12, अरे बोलो ना यार, 12 के आगे बेटा आपके फेस डायगोनल। बात करते हैं बेटा बॉडी सेंटर की, तो जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, तो वहां पे बॉडी सेंटर तो एक ही होगा ना यार, अरे पूरे क्यूब का एक ही तो सेंटर होगा ना, अरे समझ में आएगा, ये था बेटा आपका बॉडी सेंटर। बात करते हैं बेटा आपकी एज, एज कितनी होगी, तो एज गिनो, एज क्या होती है, इस तरीके की एक लाइन, जैसे 1, 2,
और चार, इस तरह की चार एज होगी, यही चार ऊपर भी तो होगी, एक दो तीन और चार, तो ये चार एज होगी, तो चार नीचे चार ऊपर, तो टोटल कितनी हो गई, आठ। गलत बेटा, ये वाली भी तो गिननी है, नौ दस ग्यारह और बारह, तो टोटल कितनी एज होगी बेटा, ट्वेल्व एज होती है आपकी एक क्यूब में एक कमरे में। तो अब ध्यान से सुनना यार, आपकी 12 एज हो गई, एक बॉडी सेंटर हो गया, 6 फेस हो गए, 12 फेस डायगोनल्स हो गए, तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे, तो बॉडी डायगोनल तो सिंपली है, एक ये वाले पॉइंट, एक ये वाले कॉर्नर को वो वाले कॉर्नर से जोड़ो तो एक डायगोनल, ये वाले कॉर्नर को वो वाले कॉर्नर से जोड़ो तो दूसरा डायगोनल, पर उस वाले से तो जोड़ो वो वाला पॉइंट और ये वाले कॉर्नर से क्या हुआ, एक डायगोनल, वो वाले कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर से भी क्या हुआ, एक डायगोनल। टोटल कितने डायगोनल हो गए बेटा, चार, क्या बेटा आपके बॉडी डायगोनल, ध्यान से सुना गया, तो चार ही क्या बेटा आपके बॉडी डायगोनल, बस ये सारी चीज आपकी पूछी जाती है। और इसमें अगर और एडवांस किया जाएगा, जैसे अगर मान लो कोई एक फेस है, सबसे पहले इजी वाला लेते हैं, कोई एक फेस है तो एक फेस कितने क्यूब में शेयर होगा, मैंने क्या कहा, एक फेस कितने क्यूब में शेयर होगा, तो ये जो दीवार है एक तो इस रूम में शेयर हो रही है और ये यही दीवार उस वाले रूम में भी तो शेयर होगी, तो एक फेस कितनी जगह शेयर हो रहा है, दो जगह, तो एक एक फेस का कहां पे कितनी जगह कंट्रीब्यूशन है बेटा, दो जगह आएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाओ मतलब एज, ये जो एज है, ये पर्टिकुलर एज कितनी जगह क्यूब में शेयर हो रही होगी बेटा, एक तो इस वाले रूम में शेयर हो रही है, यही एज तो उस बाजू वाले रूम में भी तो होगी, और सर यही तो एज के नीचे ये वाली भी तो होगा एक कमरा, उसी के पीछे भी तो एक और कमरा होगा, तो टोटल एक एज चार जगह शेयर हो रही नहीं हो रही, अरे विजुलाइज कर पा रहे हो क्या। और अच्छा लेवल बढ़ाते हैं, तो और अच्छा लेवल सुनो, कोई कॉर्नर पकड़ लो, जैसे अगर मान लो ये वाला कॉर्नर, तो ये कॉर्नर कितनी जगह शेयर होगा बेटा, मैं आंसर पहले ही बता देता हूँ, आंसर है आठ। आठ कैसे बेटा, तो ये पर्टिकुलर एक क्यूब ये रहा, एक हो रहा, एक उसके पीछे और एक उसके पीछे, अरे समझ में आएगा, तो ये तो हो गए चार क्यूब, और ये चार ऊपर भी तो हो गया, तो टोटल कितने क्यूब हो गए, आठ। देखो नहीं समझ में आया होगा, देखना एक बार, जैसे ये रहा आपका ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर से ये वाले रूम में अभी मैं बैठा हूँ, इस रूम के बाजू में एक और रूम है, अरे है कि नहीं है, उसी रूम के ऊपर एक और रूम है और इसी के ऊपर एक रूम है, तो ये तो चार आगे के हैं, ये चार पीछे भी तो हो गए, अरे होगी नहीं होगी, तो टोटल कितने, एक कॉर्नर आठ जगह शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, अरे हो रहा ही नहीं हो रहा, ये सारी चीजें बेटा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज अभी आगे आपके काम में आने वाली है। तो चलो, अभी मैंने आपसे कहा था कि यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल कितने टाइप्स होते हैं बेटा, दो टाइप्स आपके होते हैं, तो देखना सबसे पहले यूनिट सेल का टाइप क्या है, प्रिमिटिव, और दूसरा टाइप क्या होता है बेटा, आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। तो डिफरेंस सिंपल है, क्या सिंपल है, कि जो प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होता है वो बेटा केवल केवल कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करता है, क्या कहा मैंने, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है वो बेटा आपको केवल केवल क्या ऑक्यूपाई करता है, केवल केवल कॉर्नर्स, जबकि जो आपकी ये होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या करते हैं बेटा, कॉर्नर्स तो होते ही है, वो कॉर्नर्स के अलावा कोई और भी जो पॉइंट्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कहां पे आएंगे बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल में, अरे आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, प्रिमिटिव सेल को बेटा एक और नाम होता है इसका, सिंपल क्यूबिक, क्या नाम होता है बेटा, सिंपल क्यूबिक, इसको हम शॉर्ट में SC हम इसको मेंशन करते हैं। और फर्दर आपका क्या है बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल, तो सेंटर्ड यूनिट सेल भी कितने तरीके हो सकते हैं, और आगे तीन तरीके हो सकते हैं, इसमें एक आएगा बेटा बॉडी सेंटर, एक आएगा फेस सेंटर, एक आएगा बेटा आपका एंड सेंटर। देखो नाम से समझ में आ रहा है, क्या नाम से समझ में आ रहा है, सबसे पहला तो क्या था, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का अगर मैं ऐसा क्यूब बनाऊंगा बेटा, तो क्यूब कैसा होगा, क्यूब तो ऐसे ही बनता है ना, अभी सिखाया था मैंने आपको, तो कहां कहां पे ऑक्यूपाई करेगा बेटा, केवल केवल कॉर्नर, तो एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, तो ये वाला कौन सा हो गया बेटा, प्रिमिटिव हो गया क्या। इसके बाद मैंने क्या कहा, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल में मैंने क्या कहा, ये कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करती है, कॉर्नर्स के अलावा और भी पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जैसे फेस की अगर बात करें तो एक ऊपर वाला है क्या पॉइंट, फेस सेंटर मैंने कर दिया, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, अरे आंखी ना, तो किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका सेंटर्ड यूनिट सेल का, आपका ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ऐसे तो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अरे समझ में आया क्या, तो एक बार डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं यार, डेफिनेशन पढ़नी जरूर है, तो देखना प्रिमिटिव की क्या डेफिनेशन है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन, वो क्या लिखा मैंने, पोजीशन ऑफ अ यूनिट सेल इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, अरे समझ में आया क्या। और देखो सेंटर यूनिट क्या होगा, व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट, ये क्या लिखा मैंने, प्रेजेंट, प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर्स ऑन एडिशन टू ग्रोस ऑफ कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर के अलावा तो हो गई पर कॉर्नर भी उसमें साथ में होंगे, तो वो क्या हो गया बेटा आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा फर्दर, जो आपका प्रिमिटिव जो सेल है, प्रिमिटिव सेल में आगे कितना टाइप का होता है बेटा, सेवन, आपने नाम सुना होगा सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, क्या होते हैं, सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम में आपके बनाने जा रहा हूँ, यही पे आने वाली बेटा आपकी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक। हेलो आता बेटा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक देखना फटाफट, देखो क्यूबिक का सी
टाटा मान लगा टी, यहाँ का ओ, सबके इनिशियल्स याद कर लो, यहाँ पे एच आर एम ओ और ये टी। तो बेटा ये शॉर्ट लिखे कठोर 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 कठोर, मतलब समझते ना बेटा, कठोर मतलब क्या होता है बेटा, हार्ड, कठोर मोटा, कठोर मोटा। बेटा अभी मैं गया था एक बार गुजरात गया था, तो गुजरात में काफी फ्रेंड्स बने, तो गुजरात में मोटे को बोलते हैं बेटा जाड़िया, क्या बोलते हैं वहाँ पे, जाड़िया बोलते हैं। तो जाड़िया क्या होते हैं बेटा, जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, उनको कितना ही मारो पर उन्हें दर्द नहीं होता। अब आप बोलोगे सर आप भी तो मोटे, वहां पर मुझे पता है मैं मोटा हूँ, आई एक्सेप्ट डेट फैक्ट। इवन मैं तो इतना भी बताता हूँ कि जब मैं कोई क्लास में एंटर होता हूँ, जब भी कोई रूम में एंटर होता हूँ, तो पहले मेरा पेट आता है, बाद में मैं आता हूँ। तो चलो वापस टॉपिक पे आ जाओ बेटा, कठोर मोटा। तो कठोर मोटा तरीके से याद रखना, सबसे पहले क्या, क्यूबिक, टेट्राकोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, उसके बाद आएगा बेटा मोनोक्लिनिक, और लास्ट में क्या आएगा बेटा ट्राई क्लिनिक, है ना। तो अब देखना इसमें क्या बेटा, पहले सारी की सारी साइड क्या है, इक्वल है, और एंगल भी क्या है, सारे के सारे किसके बराबर बेटा, 90 डिग्री के बराबर है। वही क्यूब है, क्यूब जिस रूम में आप बैठे हैं वही रूम क्या है, सारी की सारी इसमें साइड बराबर है ना, और सारे के सारे एंगल किसके बराबर बेटा, 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद टेट्राकोनल में देखो एक एंगल नॉट इक्वल हो जाएगा, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। अब चीज एक चीज देखना, हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा, मतलब इसके ऊपर वाला क्या था, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर इसके ऊपर वाला क्या था, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, वो चीज कहाँ देंगे यहाँ, मतलब एक तरीके से पांच का साइड बन गया क्या, बीच में क्या लिख देंगे हम, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऊपर ये और यहाँ पे भी ये, उसके ऊपर ये और यहाँ पे भी ये, अरे हाँ की ना, और नीचे वाले तो क्या, दोनों के दोनों सेम है, नीचे दोनों के दोनों क्या है बेटा, सेम है। याद करने का तरीका है, क्या तरीका है वापस बता देता हूँ, बीच वाला क्या बेटा, दोनों के दोनों नॉट इक्वल है, उसके ऊपर वाले उसके ऊपर और नीचे वाला क्या होंगे, एक अनइक्वल होगा और उसके ऊपर क्या होंगे, तीनों के तीनों इक्वल होंगे, और लास्ट लास्ट वाले जो दोनों होते हैं वो तो क्या होते हैं बेटा, हमेशा नॉट इक्वल होते हैं। एंगल सिमिलरली इसी तरीके से याद रखना, शुरुआती तीनों के तीनों किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री के बराबर है। बेटा ये चीज ऐसी है जो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका बेटा जो एम्स है, तो एम्स में असर्शन रीजन में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, और नीट में प्रीवियस ईयर वगैरह में ये क्वेश्चन आ रखे हैं इस टॉपिक से, तो प्लीज ये इस टॉपिक को हल्के में बना ले, और जो टॉपिक बताइए उसी तरीके से अगर याद रखेंगे तो आपको पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा, ठीक है। और एंगल्स देख लो, तीनों के तीनों शुरुआत में बराबर थे 90 डिग्री के, उसके बाद क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर था, पर गामा 120 डिग्री के बराबर था। उसके बाद अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल थे पर 90 के बराबर नहीं थे। उसके बाद अल्फा गामा इक्वल थे 90 के बराबर, पर बीटा 90 के बराबर नहीं था, और लास्ट वाले में सारे के नॉट इक्वल टू बेटा 90 डिग्री, है ना। इसी के साथ बेटा आपको खत्म होता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सिस्टम, है ना। अब इसके बाद हम नया टॉपिक जो चालू करने वाले हैं वो होने वाले बेटा आपका ब्रेविस लैटिस, क्या होने वाला बेटा, ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस चालू करने से पहले ही मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ कि ब्रेविस लैटिस मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा क्यूबिक के होते हैं बेटा तीन, टेट्राकोनल के होते हैं दो, उसके बाद क्या आएगा चार, फिर एक, एक फिर दो और फिर एक, तो टोटल जब करोगे बेटा ब्रेविस लैटिस का, तो टोटल ब्रेविस लैटिस हमारे कितने आएंगे, 49। ये मैं बोलूंगा सर पहले ये तो बताओ ब्रेविस लैटिस क्या होता है, बेटा उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखना पड़ेगा, है ना। ये चीज मैंने अभी क्यों बता दी बेटा, ये चीज इसलिए अभी बता दी क्योंकि ये टेबल बाद में वापस बनानी पड़ती। तो देखना क्या था, यहाँ पे नंबर याद रखने में सबको 3241121 क्या है, 3241121 ये नंबर है आरती का बेटा, आरती आरती कौन है प्लीज ये मत चीज मत पूछना, क्योंकि जब मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाना हूँ, थर्ड चैप्टर कौन सा है पीरियोडिक टेबल, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आरती कौन है। तो आरती का मोबाइल नंबर था 10 डिजिट का, 10 में से कितने डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, 60 डिजिट, ठीक है, बाकी 3 डिजिट मैं आपको बता नहीं सकता, तो ठीक है। डिजिट क्या कहते बेटा, 3241121 3241121 और 40 हमारे ब्रेविस लैटिस है, 7 हमारे क्रिस्टल सिस्टम है। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करने वाले हैं ब्रेविस लैटिस, थैंक यू।